देखो दोस्तों, आपको मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जी जो होती है और एक पैलेस होता है, उसकी पहचान क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप कहीं अकस्मात किसी नई जगह पर जाते हैं या किसी के घर जाते हैं जहाँ पर आप पहले कभी नहीं गए, ठीक है ना, तो उस अगर नेगेटिव अगर जगह होगी ना, बहुत वहाँ एक ठंडा रहेगा और अजीब सी स्मेल रहेगी, ठीक है ना, जो आप कभी समझ नहीं पाओगे इस चीज़ की स्मेल क्या है। ये एक नेगेटिव एनर्जी का नोटिफिकेशन है जिसे हम पहचान सकते हैं, और एक अलग ही अपनी जो बॉडी के जो बाल हेयर जो है खड़े हो जाएंगे और हमें कुछ लगेगा, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। जहाँ अगर पॉजिटिव अगर एनर्जी होती है ना, तो वहाँ पर एक अच्छी खुशबू आएगी, और जहाँ ईश्वर का वास होता है और ईश्वर जहाँ रहते हैं वहीं एक अच्छी खुशबू आएगी, और खुशनुमा अपना माइंड थोड़ा अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, और हम लोग हल्के हल्के मुस्कराएंगे। अगर जहाँ नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पे हमारी हंसी और हमारी बॉडी लैंग्वेज दोनों ही चेंज हो जाएगा और वहाँ पे हमें अजीब सा लगेगा। तो जहाँ भी जाते हैं तो आपकी बॉडी आपको तुरंत बता देगी कि यहाँ पे कुछ है, तो वहाँ से आप बगैर टाइम ख़राब किए चुपचाप निकल जाने का होता है, क्योंकि भाई ये यहाँ पे हमें नहीं रुकना है, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ आपके लिए शायद खतरनाक हो या आप पे हावी हो जाए, ठीक है ना। सर्दी बहुत है, तो आपको मैं एक्चुअली एक जगह से निकल रहा था तो मैं सोचा कि यहाँ से कि वीडियो बना लूँ आपके लिए, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। वो ऐसी जगह से प्लीज़ आप तुरंत बाहर हो जाएँ जहाँ पॉजिटिव एनर्जी वहाँ खुल के रहे और ईश्वर का नाम लें, समझे, क्योंकि ये चीज़ मैंने महसूस भी की है। अगर आप अकस्मात कहीं गए भी होंगे तो आपको अजीब सी स्मेल भी आएगी, तो आप पहचान, जबकि आपको लगेगा हर जगह सफाई है, तो सफाई नहीं है, वहाँ कुछ और गंदगी है, ठीक है, तो ऐसी गंदगी से प्लीज़ फर्स्ट एंड फर्स्ट साइड हो जाए, क्योंकि वो चीज़ योर लाइफ एंड योर हाउस एंड वेरी डेंजरस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें और शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। भूपेंद्र सिंह, देखते हैं मेरे साथ।